और इसी बीच बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में घमासान। बीजेपी ने घोषित किए 67 उम्मीदवार। हरियाणा में बीजेपी को झटका। रतिया विधायक लक्ष्मण नापा ने दिया इस्तीफा। नापा की कांग्रेस में जाने की अटकलें। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने छोड़ी पार्टी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट जारी होते हुए बीजेपी में घमासान के आसार बन गए हैं। बीजेपी ने घोषित किए हैं 67 उम्मीदवार। हरियाणा में बीजेपी को झटका लगा है। रतिया विधायक लक्ष्मण नापा ने दिया इस्तीफा। नापा ने कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज चल रही हैं। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भी छोड़ी है पार्टी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में घमासान। बीजेपी ने घोषित किए हैं 67 प्रत्याशी। हरियाणा में बीजेपी को झटका लगा है। रतिया विधायक लक्ष्मण नापा ने दिया इस्तीफा। तो वहीं पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भी छोड़ी है पार्टी। नापा के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हुई हैं।